ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। वहीं पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और 20 मार्च से नामांकन प्रपत्रों की बिक्री शुरू हो गई है जो कि 27 मार्च तक चलेगी। वहीं पीलीभीत लोकसभा सीट से मौजूदा बीजेपी से वरुण गांधी सांसद हैं, लेकिन इस बार लोकसभा सीट पर अब तक कोई उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं उतारा है। आपको बता दें कि बसपा से अनीस अहमद खां चुनावी मैदान में है, वहीं इंडिया गठबंधन का भी कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। जिस तरह से 19 अप्रैल को पहले चरण का लोकसभा चुनाव होना है जिसके लिए 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। पूरे स्थल को बैरिकेड कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद में 10-10 मॉडल बूथ सहित कुल 40 बूथ बनाए गए हैं जिसमें 1521 मतदेय स्थल हैं। 17 जोनल मजिस्ट्रेट, 136 सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को प्रशिक्षण देकर चुनाव के लिए तैयार कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की जो है तैयारियां वो जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें प्रथम पहले चरण में यहां पर जो हम 19 अप्रैल को यहां मतदान होना है, 20 मार्च यानी कल से यहां पर जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात कर रहे हैं पीलीभीत जनपद लोकसभा सीट की। पीलीभीत लोकसभा सीट पर जो है चार विधानसभा है, कुल 5 विधानसभा है जिसमें पीलीभीत की पीलीभीत, बीसलपुर, पूरनपुर और बरखेड़ा, उसके अलावा बरेली जनपद में बहड़ी लोकसभा बहड़ी विधानसभा आती है जो कि यहां पर जो है इस लोकसभा सीट में जो है जोड़ी जाती है। मौजूदा की बात करें तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से यहां पर जो है सांसद है वरुण गांधी। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां बहुत जोर शोर से शुरू हो गई है और नामांकन प्रक्रिया जो यहाँ पर जो है 20 मार्च से शुरू हो रही है उसके लिए भी जो है तमाम तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। लेकिन बात करें भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है कि किसके चेहरे पर यहाँ पर जो है चुनाव लड़ेगी। वरुण गांधी यहाँ से रिपीट होंगे या किसी नए चेहरे से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना भरोसा जताएगी और चुनाव मैदान में उतारेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज के लिए प्राणी गुप्ता का।